हेलो दोस्तों, हमारे बहुत से दोस्त और बहुत से लोग हमको बार बार मैसेज करते हैं, फोन करते हैं कि कंप्यूटर खरीदें कि लैपटॉप खरीदें, या कौन सा कंप्यूटर खरीदें कौन सा लैपटॉप खरीदें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर खरीदना बेस्ट है कि लैपटॉप खरीदना बेस्ट है, और कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते वक्त कौन कौन सी बेसिक इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। ना कर लेते हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर लैपटॉप और कंप्यूटर के बारे में आप अच्छे जानते हैं कि दोनों के बीच ले जाने के लिए आपको जरूरत है, तब इस हिसाब से आप लैपटॉप खरीदना सबसे बेहतर होगा। दोस्तों, एक और चीज जानते हैं कि लैपटॉप को हम लोग कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, जबकि ले आने ले जाने में बड़ी समस्याएं होती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कंप्यूटर और लैपटॉप की बात करें, अगर हमारे कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, सपोज करिए कीबोर्ड खराब हो जाता है, तो कीबोर्ड खराब हो जाता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी नॉर्मल है कीबोर्ड अपने से खरीद करके आप आराम से लगा सकते हैं। जबकि लैपटॉप का अगर कीबोर्ड खराब हो जाता है तो आपको सर्विस सेंटर ले जाना ही होगा, उसको सर्विस सेंटर भेजना होगा, तब जा करके चेंज हो सकता है। इसके अलावा कास्ट की भी बड़ी समस्या आती है। अगर सपोज करिए कि लैपटॉप का माउस खराब हो गया, तब भी आपको सर्विस सेंटर जाना होगा और पैसे भी अधिक लगेंगे, मतलब उसका सर्विस चार्ज अधिक है। जबकि कंप्यूटर के मुकाबले अगर लैपटॉप के मुकाबले अगर कंप्यूटर में आपका माउस या कीबोर्ड खराब हो जाता है, तो आप आराम से मार्केट से खरीद करके अपने से भी आप उसको आराम से लगा सकते हैं। आपको कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने से पहले आपको ये सोचना होगा कि हमको कहीं मतलब पोर्टेबल की जरूरत है कि नहीं, ले आने ले जाने की अगर जरूरत है इस हिसाब से आप लैपटॉप खरीदें, अदरवाइज हमारे चैनल नए हैं या हमारी वीडियोज को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले आइकन को जरूर दबाएं, जब भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी खरीदने से पहले आपको तीन चीजें मैं बता दूं, कंप्यूटर और चाहे लैपटॉप हो, दोनों चीजों के लिए आपको तीन बेसिक चीजें जरूरी होती हैं। तो पहला होता है हमारा प्रोसेसर, दूसरा रैम और तीसरा हार्ड डिस्क। बात की आती है प्रोसेसर की, तो सबसे पहले आपको दो चीज सोचना होगा कि हमारा बजट क्या है, और दूसरी चीज हमको किस उपयोग के लिए हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को खरीद रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे ग्राफिक्स का काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, मिक्सिंग का काम करते हैं, तो उसके लिए आपको हाई प्रोसेसर लेना जरूरी है। अब हाई प्रोसेसर में मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे i3 प्रोसेसर है, i5 है, i7 है। रैम 2 से 4 GB होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल काम करते हैं, नॉर्मल जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं, या आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट काम करना है, केवल टाइपिंग का काम करना है, या ओनली इंटरनेट चलाना है, बेसिक वर्क करना है, तो इसके लिए आप डुअल कोर या कोर टू डुअल लैपटॉप को आसानी से लैपटॉप या कंप्यूटर आप आराम से यूज कर सकते हैं। डुअल कोर आई थिंक बेस्ट है, या कोर टू डुओ भी बेस्ट है। दोस्तों, अगला पॉइंट आता है कि हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क आपको मैंने जो पहले ही शुरू में कहा कि आप किस वर्क के लिए ले रहे हैं, कहीं डाउनलोडिंग के लिए, अपलोडिंग के लिए, अगर डाउनलोडिंग के लिए अगर आप ले रहे हैं, आपको डेटा स्टोरेज ज्यादा रखने हैं, तब आप मैक्सिमम हार्ड डिस्क लीजिए। अदरवाइज आपको हार्ड डिस्क की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, आप 120 GB या 350 GB इस प्रकार से आप लेकर यूज कर सकते हैं। अगर आपको डाटा स्टोर करने की ज्यादा जरूरत है, तब आप हैवी हार्ड डिस्क लीजिए, 1 TB, 2 TB या 500 GB, अदरवाइज आप 120 GB, 160 GB बहुत है। बात आती है दोस्त आपके स्क्रीन की। कभी भी कंप्यूटर को या लैपटॉप को बड़ा देख करके ना कि कंप्यूटर या लैपटॉप हमारा काफी बड़ा बड़ी कंप्यूटर लैपटॉप का भी स्क्रीन बड़ा है तो ये बड़ा अच्छा होगा, ऐसे हम कॉन्फिगर मतलब ऐसे नहीं पहचान कर सकते हैं। इसको पहचान करने के लिए अब बात आती है, अगर आपको एनिमेशन या ग्राफिक्स काम कर दें तो इसके लिए आपका स्क्रीन बड़ा होना चाहिए। आप 22 इंच की स्क्रीन को भी यूज कर सकते हैं अगर आप ग्राफिक्स या एनिमेशन या मिक्सिंग का काम करते हैं, तो नॉर्मल काम करते हैं तो इसके लिए आपके लिए जो 16 इंच 14 इंच की स्क्रीन आती है बहुत है। दोस्तों, अगला पॉइंट होता है कि हम लोग को इंटरनेट चलाने के लिए जरूरत होती है तो पीसी में आपके वाईफाई कार्ड होना जरूरी है, अदरवाइज आप मोबाइल को कनेक्ट करके भी इंटरनेट चला सकते हैं। इसके लिए आपको वाईफाई कार्ड इंस्टॉल करना होगा, या ब्लूटूथ कार्ड भी आता है एक्सटर्नल लेकर के यूज कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को ऑन करके इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट रहता है ग्राफिक्स कार्ड की। अगर हम गेम खेलते हैं या कोई हैवी काम करते हैं, तब हमको ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत है, अदरवाइज आपको ग्राफिक्स की जरूरत नहीं होती है। आप जितने भी पीसी आ रहे हैं नॉर्मल, इतने ग्राफिक्स इतने कंपेटिबल हैं कि आप नॉर्मल गेम वगैरह खेल सकते हैं। दोस्तों, हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं।